पूरे के पूरे मुसलमानों का घर तोड़ेंगे आप? सिर्फ मुसलमान का घर तोड़ेंगे? नहीं नहीं, अरे कहाँ तोड़े भाई, जो मस्जिद के इमाम का खतल किया उसका पकड़ा ना, घर तोड़िए उसका, चलिए आप। अगर इलीगल था तो आपको नहीं मालूम था इलीगल है? आप बताइए कि मेवात में, नूह में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, जो घर तोड़े गए उसको कहा था अवैध है, इलीगल है, पूरे के पूरे मुसलमानों के घर तोड़ेंगे आप? पूरे के पूरे। और जो वीडियोस जारी किए कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा उस बकवास वीडियोस में। अच्छा, दूसरे दिन जब गुरुग्राम में रोड ब्लॉक किसने किया? जो लोग मस्जिद के इमाम का कत्ल किए उनका घर तोड़ेंगे आप? जो मस्जिद को जलाने की कोशिश की उनका घर तोड़ेंगे आप? जो मस्जिद के दो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका घर तोड़ेंगे आप? नहीं तोड़ेंगे आप। आप सिर्फ मुसलमान का घर तोड़ेंगे? नहीं नहीं, अरे कहाँ तोड़े भाई, जो मस्जिद के इमाम का कत्ल किया उसका पकड़ा ना, घर तोड़िए उसका, चलिए आप। जो मस्जिद को जलाया कोशिश किया उसका घर तोड़ेंगे आप? और अब क्यों तोड़ेंगे आप? अगर इलीगल था तो आपको नहीं मालूम था इलीगल है? जहांगीरपुरी में क्या हुआ था बताइए? ये तो हो रहा है ना। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? हो रहा है। बुलडोजर से इंसाफ करेंगे और किससे करेंगे इंसाफ आप? तो फिर कोर्ट, संविधान, सीआरपीसी, आईपीसी की जरूरत ही नहीं है। और फिर आपका कौन है, आपके चैनल पर एक इंटेलिजेंस का आदमी का दिखाया गया, हाँ, क्या नाम उसका? हाँ, वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर कर हम लिख कर दिए हरियाणा सरकार को कि गड़बड़ होगी वहां पर। इनका इनकी नाहेली, इनका सपोर्ट, कॉम्प्लिसिटी पूरा जाहिर हो गई। एक नेशनल टीवी चैनल पर दिखाया गया इंटेलिजेंस का, हरियाणा का, बोला कि हम लिख कर दिए पूरा कि यह गड़बड़ हो सकती है। आपने क्या किया फिर? नू के मेवात के पूरे नौजवान भागे हुए हैं, कोई नहीं है गांव में अपने। आप लोगों को मालूम मेवात की तारीख? आप लोगों को महात्मा गांधी वहां पर जाकर इन मेवातियों को बोले थे कि मत जाओ पाकिस्तान को, यहां पर रुको। अरे आपको मालूम ये लोग वो लोग हैं जो आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान किया, जा आप उनसे ऐसा सुलूक कर रहे हैं? सरकार ऐसा सुलूक कर रही है उन लोगों से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए? अच्छा, उसको क्यों नहीं पकड़ते जो वीडियो बनाता है, जिसको आपने हथियार का लाइसेंस दिया है, जो आरोपी है जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया, वीडियो बनाता है? हरियाणा के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम कि ये शख्स आपके प्रदेश में बैठा हुआ है? और फिर सरकार बोलती वो नहीं था, तो इसका मतलब कहां है? फिर पकड़िए ना। और तरफे तमाशा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते कि हरियाणा की सरकार हमको कोऑपरेट नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट जाइए, संविधान का हवाला दीजिए और बोलिए ये लोग हमारा आरोपी को पकड़ने नहीं दे रहे हमको।